हेलो दोस्तों, मैं शीशा द टेस्ट गार्डन रिवर्स बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये चमेली का पौधा है, ये फ्लावर और कलियों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें नए नए ये फ्लावर हैं और ये नई नई इतनी सारी ये कलियाँ हैं। ये देखिए, सब में ये फ्लावर आने को रेडी हैं। और ये देखिए, इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है जिसका कि कुछ हद नहीं। और दोस्तों, इसका केयर कैसे करें और किस पॉट में लगाएं, मिट्टी कैसे बनाएं, पानी कितना दें, ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, हम इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। आप चाहे मिट्टी में उगाएं, चाहे बालू में उगाएं, चाहे पानी में उगाएं, बहुत जल्दी इसकी कटिंग लगती है। आप पानी और रेत में तो बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि इसमें जड़ों का विकास बहुत जल्दी होता है दोस्तों। और ये पुराने पत्ते हो जाते हैं, अभी बारिश थी तो जो पुराने पत्ते इसी में लिपट गए हैं, गल जाते हैं ना कुछ पुराने पत्ते पीले होके, तो बारिश हुई थी और इसी में गल के सूख गए हैं, तो ये निकाल देना चाहिए। और खुशबू से तो इसका कुछ कहना ही नहीं है। गाना बनाना अपने यहाँ, बघेली गाना, हम लोग रीवा के हैं, बघेलखंड पठार, क्या गाना बना है, बेला फूले अधी रात चमेली बिन सारे हो रामा, तो ये गाना बना है। और ये सूखे पत्ते निकाल दें, वैसे अभी जब मौसम सूख जाता है तो निकल जाते हैं दोस्तों। और ये देखिए, 2 साल का है, बरसात से 2 साल पूरे हो गए, ये अधिक है, आप पौधे से देख रहे हैं। इसकी जब ये ठंड में थोड़ा इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, फ्लावर नहीं देता, तो ये कट कर देते हैं। तो पिछले साल कट किए थे, इस साल नहीं कट किया गया ठंड में, तो ये देखिए बड़ा हो गया। अब इसको रस्सी के द्वारा बांध दिया गया है, इसको सोचते हैं कि हम ये इसको, ये जो टेरिस है, टेरिस में इसको लगा दें तो ये और फैलता रहेगा। और टेरिस की जो हमारे टेरिस में की खूबसूरत भी बढ़ाएगा, रेलिंग होती है ना टेरिस में, उसमें इसको चढ़ाना है और खुशबू से ये महका देगा हमारे टेरिस को। तो दोस्तों, इसकी मिट्टी कैसे बनाएं, पॉट कितना, तो पहले छोटे पॉट में लगा था हमने, नर्सरी से लाया था, अब ये देखिए डालडे के डब्बे में लगा है, बड़ा डब्बे में लगा है। और इसकी 1 माह पहले गोड़ा हुआ था, अब ये बारिश में फिर घास वगैरह उगाए हैं, अभी अक्टूबर में भी 10 दिन पहले 2-3 दिन बारिश हो गई तो फिर से घास निकल आए हैं, अब इसको फिर से गोड़ा के लायक हो गया है। जब भी आप गोड़ा करो तो इसमें, ये बड़ा पॉट है और पौधा भी बड़ा है, तो 2 से 3 मुट्ठी आप बर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें या किचन वेस्ट को मिला दें। तो माह में हम लोग एक बार गोड़ा करके एक बार ही इसको अच्छा खाद दे देते हैं, और जैसे 2-3 मुट्ठी हमने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल दी है सड़ी हुई, तो 7-8 दाना DAP के और 1 चम्मच पोटाश डाल देते हैं, 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर महीनों हम लोग कोई भी फर्टिलाइजर को नहीं देते, और इसी तरह आप ये देखिए फ्लावर दे रहा है और इसकी कलियाँ, अब फ्लावर आप देख सकते हैं गुच्छों में है एकदम से, और महकता रहता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और आप जो देखिए, इसमें कीड़ा वगैरह भी कुछ नहीं लगा है, एकदम साफ़ सुथरा है। ये जो कहीं कहीं पत्ते, तो जो पुराने पत्ते ये हो गए हैं, पर अब ये है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कीड़े लगेंगे, तो इसमें जो हम लोग नीम का है स्प्रे करते हैं, अगर उससे ना ठीक हो तो आप मार्केट का भी कोई भी पेप्टिसाइड इंसेक्ट ले सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोग घर में ही बना लेते हैं, और कभी कभी बेकिंग सोडा का कर देते हैं, और ये शैम्पू वगैरह कोई लिक्विड मिला के उसका भी कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे अभी इस समय थोड़ा ऐसा लग रहा है कि फंगस लग गया है, तो सप्ताह में 2 बार करना पड़ेगा शाम के वक्त, तभी ठीक होगा। पर शाम के वक्त अगर हम करते हैं तो दिन में फिर सुबह उनकी पत्तियों में साफ पानी से इसको धो दें स्प्रे करके, नहीं तो क्या पत्तियाँ जलने का डर रहता है। तो दोस्तों, मिट्टी इसकी कैसे भुरभुरी मिट्टी बनाएं, जैसे आप 40 या 50% नॉर्मल सॉइल ले लें, 30% अच्छा वर्मी कंपोस्ट मिला लें, 20% आप सैंड या राइस हस्क जो भी आपके पास हो मिला लें, और थोड़ा सा राख नीम खली, तो आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर इसको देने की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर इसके बाद जब ये अच्छी फ्लावर करता, अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती है, तो एक बार गोड़ा करके, 2 बार करें तो बहुत अच्छा नहीं है, तो एक बार गोड़ा करके आप पॉट और पौधे के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट या सड़ी ही गोबर की खाद मिला दें, और 7-8 दाने DAP के मिला दें। जैसा हमारा ये पॉट बड़ा है, तो मैं 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद देती हूँ जो भी मेरे पास रहता है, और 8-10 दाने DAP के और 1 टीस्पून लाल पोटास। तो फिर दोस्तों, हमको महीनों कुछ भी इसको करना नहीं पड़ता है, ऐसे ही ढेरों फ्लावर देता रहता है। कभी ऐसा हमारे पास लिक्विड जब बनाए तो इसमें डाल दिए, अगर बचत हुई नहीं तो नहीं, ये
दोस्तों ये फरवरी के बाद फरवरी में अच्छी ग्रोथ करता है अगर आप प्रून कर दो ठंड में, क्योंकि ठंड में ये डोरमेंसी में चला जाता है, और प्रून कर दो आप तो फरवरी में फिर नए ग्रोथ करता है। और पूरी गर्मी और पूरी बरसात मानसून सीजन तो इसका बहुत प्री सीजन है, ऐसे ही ढेरों फ्लावर देगा। बस जब 2-3 माह ठंड पड़ते हैं अच्छी ज़्यादा, तभी इसकी फ्लावरिंग बंद होती है और इसकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, नहीं तो ये गार्डन को हमारे बाकी 10 महीना ये महकाता ही रहता है, खुशबू से हमारा गार्डन भरा ही रहता है इसी तरह। तो नमस्कार दोस्तों, अगर थोड़ी भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।